हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज योगेंद्र कुमार, लेक्चरर फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जीएलई यूनिवर्सिटी मथुरा। सो टुडे आई विल टीच यू सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड टू कॉलम एंड स्कर्ट्स एंड आल्सो विच आर बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ यूलर equation and also for Rankine equation, okay, Rankine formula. So here we have to find out the value of crippling loading and crushing loading. Okay, so first question is that main aapko pehla question karane ja raha hu. Question number 1 is a bar of length 4 meter, a bar of length 4 meter when used as a simply supported beam beam and subjected to a UDL of 30 kilonewton per meter over the whole span. The beam deflects 15 mm at the center due to this loading. So determine the crippling load when it is used as a column. Determine crippling load when it is used as following conditions. So number one is both end pin jointed. Number two, one end fixed, another end hinged. And number third one is both end fixed, तो ये एंड कंडीशंस से क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस इसमें क्या होगा, आपका इफेक्टिव लेंथ जो होगा उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि हमें इसमें फाइंड करना है कि क्रिपलिंग लोडिंग, तो क्रिपलिंग लोडिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, दैट इज पी ई इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। ओके, सो हियर द लेंथ ऑफ कॉलम इज गिवन 4 मीटर। अब यहां पर ई और आई का वैल्यू नहीं दिया है,
मगर इस e और i की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक और चीज दी है, वो ये कि ये जो आपका बार है वो पहले आपका एक सिंपल सपोर्टेड बीम की तरह बिहेव कर रहा था, लाइक दिस। ये एक सिंपल सपोर्टेड बीम थी जो कि 4 मीटर लंबाई की थी और इस पर एक यूडीएल लगा हुआ था जिसकी वैल्यू आपकी थी 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये था। अब इसमें ये कह रहा है कि जब हमने इस पे लोडिंग किया तो इसमें लोडिंग के थ्रू इसमें डिफ्लेक्शन हुआ, वो जो डिफ्लेक्शन हुआ है सड़क के, डिफ्लेक्शन जो हुआ वो इस मिड सेंटर में यहां पर जो डिफ्लेक्शन हुआ वो आपका 15 mm। ठीक है, तो ऐसा किस तरह से पूछ सकता है और जनरली पूछा जाता है। तो क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा आपको डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सपोर्टेड के केस में यदि आपको डिफ्लेक्शन की वैल्यू देता है या पूछता है तो हमेशा याद रखिएगा कि इसका फॉर्मूला होता है डेल डिफ्लेक्शन इक्वल टू 5/384 WL4/EI। ओके, ये कंडीशन इसके लिए है जब हमारा यूडीएल लोडिंग हो। यदि मान लीजिए यही क्वेश्चन होता है और कहता इसमें यूडीएल लोडिंग की जगह पॉइंट लोड है, कहता पॉइंट लोड लगा हुआ है, ठीक है, डब्ल्यू लोड के पॉइंट लोड लगा हुआ है, उस केस में क्या होता है कि ये हमारा लोडिंग इस तरीके से होता है, हमारे ये एल लेंथ आपको दिया होता, ठीक है, एल लेंथ आपको दिया होता और कहता कि यहां पर भी सेंटर में डब्ल्यू लोड लगा हुआ है, तो बताइए कि बेटी वाली मान होती है इस केस में WLQ/48E9 WLQ/48EI। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपका अलग अलग दो केस के लिए है। जब यदि आपका यूडीएल लोडिंग कर रखा है तो फॉर्मूला ये लगेगा, यहाँ जो डब्ल्यू है वो स्मॉल डब्ल्यू है, यूडीएल वाला मतलब। ठीक है, ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में हमें ई आई की वैल्यू चाहिए, तो इस ई आई की वैल्यू को हम इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। ये इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट है। ओके, तो यहाँ पर W आपको दिया हुआ है कितना, 30 किलोमीटर पर मीटर, L आपको दिया हुआ है 4 मीटर, E का वैल्यू और I का वैल्यू मुझे नहीं पता, वो निकालना है। ठीक है, डेल्टा W दिया हुआ, तो फ्रॉम डेल इक्वल टू 5/384 WL4/EI। तो यहां से ई आई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी ई आई इक्वल टू 5/384 इंटू WL4/D। तो ये अब मेरे पास यहां पर W की वैल्यू पता है, L की वैल्यू पता है, डेल की वैल्यू पता है। मैं यदि यहां पर W को न्यूटन में या किलोमीटर में रखता हूं, ठीक है, तो मैं W रखूंगा न्यूटन में, ठीक है, L को रखूंगा मैं यहां पर इसमें mm में और डेल रखूंगा mm में, ताकि मुझे ये जो EI का वैल्यू है वो भी mm वाले फॉर्मूले में मिले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका EI विल बी इक्वल टू 5/384 इंटू डब्ल्यू वैल्यू कितना, 30 किलोमीटर है, इसको लीटर कर लीजिए, 30 × 1000 कर लीजिए, एल का वैल्यू कितना है आपका 4 मीटर है, हमको 4000 हो गया, का क्यू नहीं का 4/4 डेल, डेल का वैल्यू कितना है आपका, डेल का वैल्यू आपका है 15 mm, आप से सॉल्व कर लीजिए, इसी आप सॉल्व कर लीजिए, ई और आई का वैल्यू क्या रहा है ये जरा निकालिए। जब आप ई और आई का वैल्यू निकालेंगे, जब आप ई और आई का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका लगभग 66.6 × 12 N·m², ये आपको ई आई का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको ई आई का वैल्यू मिल जाएगा। अब इस ई आई के वैल्यू का मुझे यूज करना है किसमें,
मुझे ऑयलर फॉर्मूले में यूज करना है, ठीक है। अब मेरे पास ऑयलर फॉर्मूले के लिए ई आई का वैल्यू है और मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट एंड कंडीशंस में मुझे इसे यूज करना है, तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट बोथ एंड पिन जॉइंटेड, यदि दोनों एंड पिन जॉइंटेड है, मैं क्या करता हूं, मैं इसको ई आई की वैल्यू यहां लिखता हूं, ई आई बराबर कितना आया आपका, ई आई इक्वल टू आपका आया 66.6 × 10^12 न्यूटन एमएम स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया किसका वैल्यू, ई आई का वैल्यू आ गया जो मुझे यूज करना है आगे, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे, अब ई आई की वैल्यू को इस ई आई की वैल्यू भी यूज करेंगे। तो सबसे पहले मेरी एंड कंडीशंस क्या है, मैं सीरियस कर देता हूं, आप चाहो उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, मैं सीरियस कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरी एंड कंडीशन है फॉर फर्स्ट कंडीशन बोथ एंड स्पिन जॉइंटेड, इसमें इसका मतलब यह है कि एल ई का वैल्यू क्या होगा, वो एल इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब वो 4 मीटर बराबर आपका 4000 एमएम। नाउ द फॉर्मूला आपका है पी का वैल्यू फॉर्मूला क्या होगा, पी ई इक्वल टू पाई स्क्वायर इंटू ई आई, ई आई वैल्यू क्या निकला आपका, ये 66.6 × 10^12 ओके अपॉन एल ई स्क्वायर, एल कितना आपका 4000, पाई स्क्वायर कर लीजिए, आंसर निकाल लीजिए, ये आप सॉल्व कीजिए, क्या एंगल क्या रहा है, आप सॉल्व करेंगे इसे तो आपको मिलेगा इसका आंसर 4108 न्यूटन, ठीक है। आप इसे चाहो किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इट विल बी पीई इक्वल टू 4108 किलोमीटर, ठीक है। पहला आपका आंसर हो गया ये फॉर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फॉर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, वन एंड फिंच है अनदर एंड फिंच, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरा मिटाता हूं तो दूसरा करता हूं, वन एंड फिक्स्ड एंड अनदर एंड फिक्स्ड, तो इसका मतलब यह है, सेकंड कंडीशन देखिए, सेकंड कंडीशन क्या होगा आपका, एल ई का वैल्यू है वो क्या होगा आपका 1/√2 × L, ये होगा ना 1/√2 × L, तो 1/√2 × L करो तो इसमें आप L की वैल्यू 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/√2 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको लगभग 2.830 मीटर, इसे आप लोग कन्वर्ट mm में, तो ये हो जाएगा आपका 2.830 mm, ठीक है। So now use this value in another case, it will be PE equal to pi square. EA का वैल्यू हमें पहले पता है 66.6 × 10^12 होगा upon L square, मतलब 2830 का square. It will be आंसर निकालो इसका, यहाँ का क्या रहा है? इसका आंसर आ रहा है 8207 000 न्यूटन, यहां से आप लिख सकते हो कि PE इक्वल टू 8207 किलोमीटर, ठीक है। इसी प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आप जो इसकी एंड कंडीशन थर्ड है इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं फिर। Both end fixed. इसका मतलब क्या है कि एल ई का जो वैल्यू होगा वो 1/2 L के इक्वल होगा, इसका मतलब 4/2 कर लीजिए, इसका मतलब हो गया 2 मीटर, और 2 मीटर को नोट लीजिए हो गया आपका 2000 mm. So now use this value in equation, it will be
PE इक्वल टू पाई स्क्वायर इनटू EI इक्वल गैस 66.6 इनटू 10 की पावर 12 अपॉन 2000 का स्क्वायर इट विल बी जो आपका पैरेंट क्लास इसका डबल हो जाएगा जस्ट चेक देख लीजिए एक बार तो ये आपका आया है 16432 ट्रिपल जीरो न्यूटन या PE इक्वल टू 16432 किलो न्यूटन ठीक है ये इसका आंसर है तो न्यूमेरिकल नंबर वन आपका कंप्लीट होता है इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल करना है जब जब आपको डिफ्लेक्शन दे दिया हो और लोडिंग की ओर आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने जैसा कि सिंपल स्टूडेंट बीम के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा वो इस तरीके से होगा ठीक है पॉइंट लोड के लिए ये वाला फॉर्मूला और यूटिल के लिए ये वाला तो अभी यूटिल के लिए हमने ये वाला लिखा एक और न्यूमेरिकल है इसी पे बेस्ड जिसमें आपको पॉइंट लोड दिया हुआ है हम इसको कर लेते हैं एक बार ठीक है चलिए तो मैं इसे रेस्ट कर दूं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार चाहो तो थैंक यू मैं इसे मिटा देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द क्रिटिकल लोड ऑफ अ स्टड क्वेश्चन नंबर टू कैलकुलेट द क्रिटिकल लोड ऑफ अ स्टड विच इज मेड ऑफ अ बार Which is made of a bar circular in section, and 5 meter long. And 5 meter long and which is pin jointed at both ends and which is pin jointed at both ends the same bar with freely supported gears when freely supported gives mid-span deflection of 10 mm with a load of 80 newton at center. ये कह रहा है कि आपको एक क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है एक स्ट्रट के लिए जिसमें कि आपको पहले से दिया हुआ है कि यही यदि स्ट्रट यदि इतनी लंबाई का स्ट्रट जो कि आपका एक तरीके से सिंपल स्टूडेंट बीम की तरह यूज किया होता यहां पर इस तरीके से है ना
जिस पर कि इसके मिड स्पैन में, मिड स्पैन में यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है 80 मीटर का, और इसने अपना डिफ्लेक्शन दिया उसे के लिए कितना 10 एमएम, ये डिफ्लेक्शन कितना हुआ 10 एमएम, ठीक है 10 एमएम डिफ्लेक्ट किया, ये इसका लोड, ओके। और ये इसका टोटल लेंथ कितना हुआ, ये लेंथ आपको दिया हुआ है यहां पर कितना सेम लेंथ ऑफ अ लोड सर्कुलेशन सेक्शन एंड 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर, ओके, ये 5 मीटर लॉन्ग दिया हुआ है। तो अब यहां पर ये क्या है आपका पॉइंट लोड है, तो हम लगाएंगे डेल इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 EI। तो सॉल्यूशन में आपको फाइंड करना है क्रिपलिंग लोड, है ना, क्रिटिकल लोड, क्रिटिकल लोड का मतलब हुआ कि आपको फाइंड करना है PE, PE का मतलब होता है पाई स्क्वायर EI अपॉन एल ई स्क्वायर, एल ई का मतलब हुआ कि आपका इफेक्टिव लेंथ, तो इफेक्टिव लेंथ अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा आपका एल ई, क्या आपको दिया हुआ है बोथ, क्या दिया बोथ एंड कैसे पिनजॉइंटेड, बोथ एंड पिनजॉइंटेड, तो इसका मतलब एल ई इक्वल टू हो गया एल, ठीक है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले आप ई आई की वैल्यू की, आप ई आई का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, एल का वैल्यू दिया, ई आई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ई आई कहां से मिलेगा यहां से, इस फॉर्मूले से, अगेन 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 अगेन, ये आपका हो गया फ्रॉम डेल इक्वल टू फोर डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 EI, ठीक है। तो यहां से आपका ई आई का वैल्यू क्या आएगा, ई आई विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 डे, अगेन वो आपको वैल्यू मिली इसमें न्यूटन आपका कितना है, डब्ल्यू कितना है, डब्ल्यू आपका है 80 न्यूटन, ठीक है, डब्ल्यू आपका कितना है 80 न्यूटन है, एक बार देखा था न्यूमेरिकल में क्या दिया था आपको, 80 न्यूटन ही दिया था या नहीं, ये आपको दिया था 80 न्यूटन, ठीक है, ये आपको 80 न्यूटन ही दिया था, तो इट विल बी 80 न्यूटन इनटू एल के इतनी है, एल आपको दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 मीटर तो हो गया आपका एमएम में करेंगे तो 5000 का क्यू अपॉन 48 और डेल आपको हो गया 10 एमएम, ठीक है। सॉल्यूशन किया आपने, सॉल्यूशन करने के बाद आपको ई आई का वैल्यू क्या मिलेगा, ई आई का वैल्यू क्या मिलेगा, अब चाहो तो डायरेक्टली ये वाली वैल्यू उठा कर सकते हो, ये वैल्यू का वैल्यू रख सकते हैं उसमें ई के फॉर्मूले में, मैं इसी को लिखा डायरेक्टली ए आर एस सी, तो पी ई इक्वल टू हो गया क्या आपका पाई स्क्वायर इंटू ई आई की वैल्यू क्या आपकी, ई आई की वैल्यू क्या आपकी WLQ upon 48 EI, तो यहां पर आपका ये हो जाएगा WLQ upon 48 into day, और ये L equal क्या होगी, L equal होगी 5000, सॉल्व कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा, सॉल्व कीजिए इसका आंसर मिल जाएगा, सॉल्व कीजिए इसका आंसर मिल जाएगा, देखो यहाँ पे दो है यहाँ तीन है, यहाँ ये तीन पे यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा, ठीक है 5000 बचेगा, सिर्फ अब सॉल्व कर लीजिए इसे, क्या सॉल्व करने को क्या आ रहा है, सो इट विल बी 8220 न्यूटन या 8.22 किलोमीटर। सो इस तरीके से यदि आपको कोई निकोलस देता है सिंपल सिंपल ड्रीम में और इसमें आपको ईआई की वैल्यू नहीं देता है, तो ईआई की वैल्यू का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो नाउ यू कैन गेट स्क्रीनशॉट ऑफ दिस न्यूमेरिकल फॉर फ्यूचर रेफरेंस।
ठीक है। सो थैंक यू क्लास, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट कोई भी लेक्चर मेरा होता है तो मैं आपको इसके और कई सारे निवेदन करा दूंगा, ठीक है, कई सारे टॉपिक बाकी हैं उस पर करा दूंगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।